देखो ये नजारा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूँ हरेश ट्रैवल व्लॉग में। अभी हम पहुँच गए हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव। तो अभी यहाँ से अभी हम कैसे आए वो सब कुछ आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ सभी चल रही है। अभी सभी ने देखो रेनकोट पहन ली है, अभी ठंड भी लग रही है और सामने क्या नज़ारा है वो आपको अभी दिखाते है। तो पहले हम सूरत से निकले से हम पहुँचे सूरत के बस स्टेशन। यहाँ से मिलती है शिरडी जाने के लिए बस, वो आपको नासिक तक ड्रॉप कर देगी। आप सूरत से जा रहे हो अदर स्टेट से जा रहे हो तो आपको बस से सुविधा से जा सकते हो या ट्रेन से सुविधा से जा सकते हो। हमारे ट्रेन तो चलती है, अपन वो घूम के चलती है, तो हम बस से जा रहे हैं। अभी हमारी बस रुकी है यहाँ चाय पानी नाश्ता के लिए, और हमारी बस लेट हो गई थी 2 घंटे, यानी कि 9:30 की थी और 11 बजे आई और 12:30 बजे निकली। अभी हम पहुंच गए नासिक, देख रहे हो हमारी बस यहाँ खड़ी है और ये महामार्ग बस स्टेशन है। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर आपको आगे जाना होगा और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे और नासिक का मेन बस स्टेशन, यानी कि वहाँ सभी बस मिल जाती है और हमको 20 में से बस मिल गई जो त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए। इसका किराया 45 रुपये यानी 45 रुपये लगेगा और जो नई वाली बस आती है उसमें लगता है 50 रुपये पर पर्सन। आप ऑटो से भी जा सकते हो, अपन ऑटो का किराया बहुत ही महंगा रहेगा, तो आप प्रिपेयर करें बस ही चले। बस यहाँ आपको मिल ही जाएगी, 15-15 मिनट में बस चलती है तो आपको मिल जाएगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको त्र्यंबकेश्वर आधे आधे घंटे के लिए बस चलती है और ये आप अभी हम पहुँच गए त्र्यंबक, यानी अब यहाँ से आपको यहाँ ड्रॉप कर देगी और यहाँ से 500 मीटर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मंदिर मिल जाएगा। तो अभी सामने आपको जो दिख रहा है वही है त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो ये आप दर्शन कर लीजिए, अभी हम अंदर का आपको भी लेके चलते हैं। और ये है यहाँ, अभी बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, अभी रुकी है। तो अभी हम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी हम 7 बजे पहुँच गए, सुबह 6 बजे हम नासिक पहुँच गए थे और निकलते आधा घंटा वहाँ से, आधा घंटे में आपको आधा पौना घंटे में पहुँचा देगी। यहाँ है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, जो 12 सालों में महाकुंभ मेला लगता है ना, यहाँ लगता है और यहाँ दीप ज्वलित होता है यहाँ पे भी। अब देख रहे हो ना, यहाँ सभी लोग स्नान करके बाद में मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। तो अभी यहाँ कोई स्नान नहीं कर रहा है, तो अभी हम हाथ मुँह धो लेते हैं, बाद में चलते हैं दर्शन करने। तो यहाँ से दर्शन करते आगे चलते हैं और यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है और यहाँ लगता है 12 सालों में एक बार मेला, कुंभ मेला। तो अभी 4 शहर में लगता है, पहला तो है हरिद्वार, देव, एक है उज्जैन और यह नासिक, चारों में लगता है। 2025 में लगने वाला है, कहाँ लगने वाला है आप कॉमेंट में बताए। और ये सामने मंदिर देख रहे हो और यहाँ से अभी हम प्रसाद लेके अंदर जा रहे हैं। यहाँ आपको प्रसाद में ये मिलेगा श्रीफल, मैंने कभी कहा मंदिर में नहीं देखा, यहाँ आपको श्रीफल मिलेगा महादेव के मंदिर में, क्योंकि ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से अलग ज्योतिर्लिंग है। क्यों अलग है, 3 ज्योतिर्लिंग है ये, अभी हमारे दोस्त अब पीछे देख रहे हो, मैंने आपको बताया कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक अलग ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि यहाँ 3 ज्योतिर्लिंग है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों के यहाँ ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ को लाइव दर्शन भी देखने को मिल जाएगा, काफ़ी जगह LED लगे हुए है अब देख रहो, और यहाँ देखो काफ़ी सारे LED लगे हुए हैं। अभी यहाँ अभिषेक हो रहा है, अभिषेक के लिए भी चार्ज देना पड़ता है और VIP दर्शन के लिए भी चार्ज लगता है। अभी हमारे दोस्त बैठे हैं, देखो अभी यहाँ बैठने की भी व्यवस्था है, तो आप खड़े खड़े थक जाए तो यहाँ बैठने की व्यवस्था है। अभी हम बैठ गए और लाइन चलेगी तो हम भी चलेंगे। यहाँ आप ये देख रहे हो ना, ये अभी श्रृंगार हो गया है और ये भी ऐसे दिखता है जब भी उसका पूजा होने के बाद, अभिषेक होने के बाद जो। और अभी हम दर्शन करके आ गए बाहर, यहाँ तो VIP दर्शन के लिए 300 रुपये लगते हैं टिकट, VIP दर्शन के साथ में ही होता है बाद उस सामने, इसके सामने से दरवाजा आता है ना, उसके VIP दर्शन होता है और मेन गेट से हमारा दर्शन होता है। तो ये VIP दर्शन तो किसी की मंदिर में नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है वो कमेंट में बताए। और अभी हम यहाँ मेन मंदिर है, यानी कि जो त्र्यंबकेश्वर महादेव के मेन मंदिर यह माना जाता है, अभी तो यह नया बनाया, पहले पुराना था।
और जो त्र्यंबकेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग है उसे बाजीराव पेशवा ने बनाया था। 1760 में उसका काम पूरा हुआ था और ये अभी 260 साल हो गए। अभी हम देख रहे हो ब्रह्मगिरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी ये सामने। और अभी यहाँ कितने सारे वाटरफॉल दिख रहे हैं, देख रहे हो कितने सारे। और अभी तो बारिश हो रही थी, अभी रुक गई वापस से, और कभी बारिश आ जाती है कभी रुक जाती है। वो तो हमको हरिहर फोर्ट भी जाना है, क्या वापस कैंसिल करना पड़ेगा वहाँ पे। अरे गोदावरी उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत है, यहाँ से गोदावरी का उद्गम स्थान हुआ है। ये त्र्यंबकेश्वर ही गोदावरी का उद्गम स्थान माना जाता है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं गोदावरी का उद्गम स्थान। तो ये रास्ता कुछ ऐसा है, यहाँ से होता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान, यानी कि यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है और आगे जो मंदिर आपको दिखाए ना वहाँ से मेन जल निकलता है, यानी कि गोदावरी नदी वहाँ जाती है। और यहाँ आप देख रहे हो कितने सारे वाटरफॉल लगे हुए हैं, और ये ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर भी जा सकते हो। वो दिख तो नहीं रहा होगा आपको, काफ़ी सारे लोग वाटरफॉल, मेन वाटरफॉल आपको दिख रहा है ना, ये पूरा घूम के वहाँ सीढ़ी पे जा रहे हैं। वहाँ आपको यहाँ से मंदिर है ऊपर, वहाँ जाते हैं सब लोग। तो हम तो वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ से अभी जाना है हरिहर फोर्ट, यहाँ से जैसे जा सकता है वो अगले वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा तो इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। तो यहाँ से कैसे वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से 10-12 किलोमीटर हरिहर फोर्ट है, और यहाँ से अभी 12 बजे है। यहाँ से खाना खा के और चाहे रिक्शा मिलती है बस मिलती है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, और मंदिर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया, और यह गोदावरी नदी का उद्गम स्थान इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कहाँ की कैसी वीडियो देखनी है वो भी कमेंट कीजिए। और अभी हमारे 3 ज्योतिर्लिंग हुई है, एक उज्जैन, केदारनाथ और एक त्र्यंबकेश्वर। तो 3 ज्योतिर्लिंग हुई है, और नेक्स्ट कहाँ जाने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, तो आपको भी पता चले हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। अगले वीडियो तो हरिहर फोर्ट का आएगा, वहाँ कैसे जा सकते हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, हर महादेव। अभी हम खाना खाए गए आ गए, और ये 100 रुपये में अनलिमिटेड थाली थी, तो हमने 100 रुपये में ये सेव उसल, ये बटे की सब्जी, ये दाल और ये मक्का साग और ये खिचड़ी और भात और पापड़ और चपाती अनलिमिटेड जितना खाना है वो खा सकते। तो अभी यहाँ से हरिहर फोर्ट जाना था तो वो तो हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही थी ना, तो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि अभी नहीं जाना। और अभी बच गए 2, तो आने के टाइम लेट हो जाएगी, तो अभी जाना कैंसिल। सूरत से नासिक आ रहे हैं उसके लिए बस ही बेस्ट ऑप्शन है। ट्रेन तो आपको घूम के वासी रोड जाना होगा, वहाँ से ट्रेन मिलेगी। तो अभी हम हरिहर फोर्ट तो नहीं जाएंगे, 2 महीने के बाद प्लान बनेगा हमारा। तो इसके वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।